अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गिलानी आबिद मार्केट एम अब्दुल्ला से एक नया व्लॉग लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं डॉलर्स रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो कि फ्रेंच डोर में इंपोर्टेड है, बेहतरीन क्वालिटी इन्वर्टर सीरीज है। ये आप यूपीएस पे और सोलर पैनल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच डोर डॉलर्स। डॉलर्स लिया तो बात बनी, चूंकि डॉलर्स रिलायबल है। प्लीज ये काइंडली दिखाइएगा ग्लास डोर में। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में अब हम चलते हैं इसके फ्रीजर की तरफ। इसका फ्रीजर आप देख रहे हैं, फुल बड़े साइज में वाइट बॉडी के साथ है ये। इसमें जो शेल्फ्स दी गई हैं ग्लास में, इस शेल्फ के ऊपर आप 100 kg तक वजन रख सकते हैं। आइस क्यूब्स के लिए 3 पोर्शन दे दिए उन्होंने। इसके अलावा इसमें एक बॉक्स दे दिया जिसमें आप मीट, फिश वगैरह, नगेट्स, कोई चीज़ रख सकते हैं आप इसमें फ्रीजिंग। और इसकी हम फ्रिज की बात करते हैं, वाइट बॉडी में फ्रिज है इसकी, प्लीज दिखाइएगा। ये अंदर टर्बो कूलिंग सिस्टम दे दिया। उसके अलावा टर्बो कूलिंग के मैं आपको फंक्शन बता दूं। टर्बो कूलिंग में ये होता है कि जब आप इसका दरवाजा बंद करते हैं इसका फैन ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग चारों तरफ मेंटेन रहती है। फिर इसके बॉटल्स के लिए कंपनी ने एक स्टैंड दे दिया जिसमें आप बॉटल्स रख सकते हैं। देखें, दिखाएं प्लीज, ये स्टील में बॉटल स्टैंड है। इसके अलावा ये इसका वेजिटेबल बॉक्स है, ये इसका फ्रूट बॉक्स है। इसमें आपके जो है मटेरियल जो आपने इसमें रखा हुआ है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसकी विटामिन एक हफ्ते तक कम अज कम जो है वो मेनटेन रहते हैं। फूड आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेगी। 10 kg तक आप इसमें वेजिटेबल में और 10 kg तक आप फ्रूट बॉक्स में फल रख सकते हैं। इसके अलावा ये इसकी आप साइड शेल्फ देख रहे हैं, ये एल्स के लिए स्टील का इन्होंने एल्स ट्रे दे दिए। 12 साल की वारंटी है, बेहतरीन क्वालिटी, टॉप ऑफ दी ब्रांड है। अब चलते हैं हम इसके टेम्परेचर कंट्रोलर की तरफ, प्लीज आइएगा। ये इसका टेम्परेचर कंट्रोल है जो कि मैक्सिमम होता है। काइंडली आगाही मैं आपको देना चाह रहा हूँ जो इसमें आपका फायदा होगा। फायदा ये है कि आप इसको मैक्सिमम पे अगर कूलिंग करते हैं उसमें फ्रीजर से काम कर रहा होता है, फ्रिज काम प्रॉपर नहीं कर पाती। काइंडली इसको कोशिश करें सेकेंड लास्ट पे रखें या मिड से थोड़ा सा नेक्स्ट रखें, लाइक दैट 5 और 6 में रखेंगे, फ्रीजर भी काम करेगा और फ्रिज भी प्रॉपर काम करेगी। इन केस अगर फुल कर देते हैं, जस्ट फ्रीजर काम करता है, फ्रिज काम हरगिज नहीं करती। फिर अब बात करते हैं इसकी वारंटी की। 12 साल की इसकी वारंटी है, बेहतरीन क्वालिटी इम्पोर्टेड में है और बजट प्राइस है। इसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है 2,75,000 रुपये, लेकिन आबिद मार्केट में अब्दुल्ला पे आपको जस्ट ये मिलेगी 2,50,000 रुपये में। अब चलते हैं इसकी वारंटी की तरफ। काइंडली कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें उसकी बुक को लाजमी स्टडी करें, उसमें आपके लिए रहनुमाई होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके लिए बेहतरीन होती हैं। इसके अलावा हम चलते हैं इसके वारंटी कार्ड की तरफ। ये इसका वारंटी कार्ड आप देख रहे हैं, काइंडली दिखाइएगा। काइंडली मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें वारंटी के मामले में आपने सेल्स पर्सन रिप्रेजेंट की बात पे अमल नहीं करना। वारंटी के मामले में आपने जस्ट वारंटी कार्ड को स्टडी करना है। हमेशा आपको वारंटी जो है वारंटी कार्ड के कायदे जवाबित के मुताबिक ही अवेल होती है। ये देख रहे हैं आप। अब मैं बता दूं फ्रेंच डोर का मकसद क्या है। फ्रेंच डोर का मकसद मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हम फ्रीजर पोर्शन का दरवाजा खोलते हैं, जस्ट लाइक पूरा दरवाजा खोलेंगे तो कूलिंग जाया हो सकती है। अमूमन किचन के अंदर फैन भी लगा होता है, हवा की क्रॉसिंग होती है, तो कूलिंग का जाया होने का खदशा है। अगर हम एक दरवाजा खोलते हैं, जिस साइड पे आपने चीज रखी है, जो निकालना चाह रहे हैं, जो आपकी डिमांड है, आप उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलिंग जाया नहीं होगी। इसी तरह अगर आप रेफ्रिजरेटर के दोनों दरवाजे खोलते हैं तो कूलिंग जाया होने का खदशा है। इसमें यह है कि आप जिस साइड पे आपने जो प्रोडक्ट रखी है आपको पता होता है कि हमने कहाँ पे क्या चीज रखी है, आप उस साइड का दरवाजा खोलते हैं, उसमें ये होता है कि आपको पता होता है किस तरह चीज को आप इजीली निकालते हैं, इजीली यूज करते हैं, दरवाजे को ऑफ कर देते हैं। इसमें ये फायदा होता है कूलिंग जाया नहीं होती। ग्लास डोर में टेम्पर्ड है, अनब्रेकेबल है, बेहतरीन क्वालिटी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।